क्योंकि अगले 6 महीना तक वहां जलजले के कई झटके और भी लग सकते हैं और यह शॉक एक बार फिर तुर्की की तबाही की वजह बन सकता है, जो कि 6 फरवरी को आए जलजले के बाद की तबाही से भी जूझ रहा है। तुर्की खंडर में बदल गया है, हजारों इमारतों का मलबा इस बात की गवाही दे रहा है कि तुर्की के 28,000 लोगों को मौत की नींद सुला दिया गया। खबरों के मुताबिक जिस बड़े पैमाने पर तबाही हुई है उससे मरने वालों का आंकड़ा 40,000 के करीब पहुंच सकता है। लेकिन डराने वाली बात सिर्फ यही नहीं बल्कि कहा तो यह भी जा रहा है कि तुर्की पर अगले कुछ महीने भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि जानकारों थिंकरों ने इस बात की आशंका जताई है कि आने वाले 6 महीनों तक तुर्की में कई बार भूकंप आ सकते हैं और ये जलजले ऐसी इमारत के लिए काल साबित हो सकते हैं जो 6 फरवरी के जलजलों के झटकों से बच गई, क्योंकि तुर्की की ये इमारतें हैं जो अब खोखली हो चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की के 10 राज्यों में 10,000 से ज्यादा इमारतें जमींदोज हो गई, जबकि 50,000 से 1,00,000 इमारतें ऐसी है जिनमें खतरनाक दरारें पड़ गई है, जिसके बारे में तुर्की के एक्सपर्ट का मानना है कि क्योंकि 1,00,000 के आसपास ऐसी इमारतें हैं जो जलजले के हल्के झटके भी सह नहीं पाएंगी। अब अगर तुर्की में जलजला आया तो ये इमारतें आसानी से तबाह हो जाएगी और इनमें रहने वाले लोगों की जान भी जा सकती है, जो लाखों के तादाद में हो सकती है। तो यह है आज की खास खबर। आपके दिमाग में भी कुछ सवाल दस्तक दे रहे होंगे तो कमेंट करके जरूर बताएं। आप देख रहे हैं SD 24।